फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में बताने वाले हैं कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना जो स्कीम आया है, इस स्कीम के तहत सभी किसानों को 3,500 रुपये अकाउंट में मिलने वाला है। तो सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे लिखना है jharkhand.gov.in। ये दो तरह का पेज है, ठीक है। यहाँ पे एक है झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जिसमें इस तरह का पेज खुल के आता है, और एक है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। झारखंड राज्य फसल राहत योजना में यहाँ पे किसान पंजीकरण करें में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा तो पूरा डाटा आपके सामने इंग्लिश में आ जाएगा, और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, समझे। उसके बाद यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आधार नंबर, आधार के नाम और मोबाइल नंबर, यहाँ पे सब कुछ कैप्चर डालने के बाद, गेट ओटीपी डालने के बाद आपके सामने पूरा डाटा आएगा। सब कुछ फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, वही आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन का, जो जमीन है आपका, जमीन का डाटा आपको भरना पड़ेगा। लास्ट में सारा चीज़ हम भर चुके हैं, मतलब फिर लास्ट में आपको इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे वेलकम टू EKYC CSE, और यहाँ पे उसका आधार नंबर डालेंगे कैंडिडेट का, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड EKYC पर क्लिक करेंगे तो उसका फिंगर प्रिंट लिया जाएगा। फिंगर प्रिंट लीजिएगा तब आपके सामने, वहाँ पे फिंगर प्रिंट डालने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का डाटा आ जाएगा। वहाँ पे फिंगर प्रिंट डालने के बाद नाम, आधार नंबर, लेटर पटर, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़, इसका हस्बैंड का नाम, जो कुछ भी है सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फाइनल में CSE से 1 रुपये का पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो वीडियो और, एक दो बात तो और दिखाते कि क्या क्या फॉर्म फिलअप करना होगा। जैसे यहाँ पे ये सब भरना होगा, श्रेणी, किसान प्रकार, जिला, पंचायत, प्रखंड, गांव, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स, ये सब डालना होगा, समझे। बैंक डिटेल्स सही डालिएगा तभी अकाउंट में पैसा आएगा। और जमीन के बारे में क्या क्या डालिएगा वो भी बता दे रहे हैं, जैसे जिला, अंचल, हल्का, मौजा, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, पेज संख्या, वॉल्यूम संख्या, सब आपका जमीन का कागज़ में सब रहेगा। अगर आपका जमीन सही रहेगा तभी आपका अकाउंट में पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। एड लैंड में क्लिक कीजिएगा तो वहीं पे सब कुछ करने का, मतलब ऑप्शन देगा फाइल अपलोड करने का, आधार कार्ड और सब इसी में, ठीक है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मैं गोमिया ब्लॉक से हूँ, झारखंड में बोकारो डिस्ट्रिक्ट के जिला बोकारो गोमिया से, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके प्रखंड में झारखंड सरकार के द्वारा सुखाड़ घोषित नहीं किया गया है, इसीलिए आप कृपया झारखंड राज्य फसल राहत योजना के पोर्टल पर आवेदन करें। हमारा मतलब कि ये गोमिया ब्लॉक में ये अलाउ नहीं किया हुआ है सुखाड़ योजना, तो दूसरा वेबसाइट है वहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। जैसे यहाँ पे भूमि फाइल देखे, एडिट भूमि विवरण, यहाँ से एडिट कर सकते हैं भूमि फाइल देखे में से, समझे। और जब आप आवेदन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आएगा, नाम आएगा और बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल्स, ये सब सब आएगा। ये वेबसाइट है, इसको देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे jharkhand.gov.in और झारखंड राज्य फसल राहत योजना खुल के आएगा। पंजीकरण करने के बाद लास्ट में फिंगरप्रिंट से ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा
जिसको ई केवाईसी बोलते हैं, समझे। ई केवाईसी नहीं कीजिएगा तो पैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों इतना कुछ कर लेने के बाद फाइनल में सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद से 1 से 2 महीना के बाद आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा 3,500 रुपये।